जितना भी म्यूनिसिपलिटी का पानी कम किया हुआ टैंकर वाले का फायदा होता है, हम लोगों का कुछ नहीं है। टैंकर का पानी भी गंदा रहता है तो हमारे बाल बच्चे किस तरह पिए, हमको बिस्लरी का पानी अलग मंगाना पड़ता है। पहले तो ये कि ग्राम पंचायत जब थी, ग्राम पंचायत थे उस समय महानगर पालिका की जो ये जो घरपट्टी जो होती है वो 500,000 रूपये, अभी 5,000 देने के बावजूद भी ये तो चीज अगर हमको उसका सामना करना पड़ रहा है तो ये चीज महानगर पालिका हमारे पास की नहीं है, हमको ग्राम पंचायत चलेगी। कोशिश ये है, मेरी बात रखने की असल वजह ये है कि महानगर पालिका इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व करे, नहीं तो पब्लिक रोड पे निकलेगी महानगर पालिका को जवाब देना भारी पड़ेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं वसई के दीनदयाल नगर में, यहाँ हमारे साथ यहाँ आसपास के क्षेत्र के रहवासी हैं, इनकी कुछ परेशानियां समस्याएं हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको कुछ कहना चाहूंगा, पिछली 15 अगस्त को वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर क्या कुछ हुआ वो आप सभी जानते हैं। वसई के विधायक जितेंद्र ठाकुर को वसई विरार महानगर पालिका अधिकारियों को लताड़ लगानी पड़ी, वो लताड़ लगाई उस पर कोई बहुत कुछ राजनीति हुई, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे, वो लताड़ क्यों लगाई वसई विधायक जितेंद्र ठाकुर ने, उसके पीछे क्या कारण था? तो कारण ये था कि वहां पर जनता दरबार लगा था और उस जनता दरबार में अधिकतर लोगों की समस्याएं थी कि क्षेत्र में पेयजल पानी के पीने के पानी का काफी इशू है, तो महानगर पालिका उस इशू को हल नहीं कर पा रही। पिछले कई सालों से लोग यहाँ त्रस्त है लेकिन वसई विरार महानगर पालिका अपने हाल में मस्त है, लोगों की परेशानियों से महानगर पालिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस दिन 15 अगस्त को ये बात विधायक जितेंद्र ठाकुर ने कही, उसी चीज का नमूना हमारा आपको दिखाना है कि वास्तविकता क्या है। विधायक जितेंद्र ठाकुर ने उनकी जो कहा वहां जो लोग बोल रहे थे कैसी परिस्थितियां है कि कुछ अलग है, तो हम यहाँ जानते हैं कि लोगों के यहाँ पानी की किस तरह की समस्या है और लोग क्यों इकट्ठा है। आपका नाम? मेरा नाम यहाँ पर पानी का इतना शॉर्टेज है, कितना बिल आता है, बिल भरा जाता है, फिर पानी पूरा सोसाइटी को मिलता नहीं है, टैंकर बुलाओ टैंकर का गंदा पानी आता है, टैंकर का भी पैसा दो म्यूनसिपालिटी को भी पैसा दो लेकिन पानी की जरूरत पूरी नहीं है। आपने अपनी बात महानगर पालिका में नहीं, हमने बहुत बार बोला कि नई लाइन वही काम नहीं होता है कि नई लाइन भी हमको मिल जाए करते, वो भी बात नहीं होती, लेकिन पानी का जो गंदा हाल है छोटे छोटे बच्चे हैं घर में पानी पीने सकते, पीने का पानी का अलग पैसा दो, वापरने के पानी का अलग पैसा दो, म्यूनसिपालिटी का बिल अलग करो, यानी तीन तरह से पानी का पैसा हमारे पास आ जाता है लेकिन अभी भी पानी की सबसे हमारे पास। आपका नाम क्या है? आपके आगे का इन रखा है मेरा नाम, और हमको 2 साल से पानी की इस तरह हैरानगरी हो रही है कि हम लोग पानी की बहुत तकलीफ में है, उसको पीने के पानी के हमारे बंद हो गए हैं और हम लोग टैंकर भी अलग मंगाते हैं, पानी से अलग म्यूनसिपालिटी का भी बिल भरो, पानी का टैंकर वाले का भी पैसा भरो, तो हम लोग इतना सिटेडी में हमारे पास इतना अमाउंट भी नहीं है, बर्तन पानी में पानी भी भर जाता है, गाड़ी लगा के सोचा नाले भी उठा लेते, हर चीज की हमको म्यूनसिपालिटी होने का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी आपसे बात बोल रहे मैं जून तक ठीक था लेकिन जून के बाद बारिश बाकी जून आ सकता है पानी खाली म्यूनसिपालिटी का पानी खाली आधा एक घंटा देते हैं उसके अंदर हमारा रखता है क्या आधा घंटा खाली म्यूनसिपालिटी पानी देती है पानी का भी वाल बराबर नहीं चला जाता है उसमें भी बाल हम लोग कम्प्लीट करते और उसके अंदर हमको टैंकर का भी वाले टैंकर वाले का भी अमाउंट पड़ जाता है 3,000 रूपये एक टैंकर का लेता है तो हम लोग कहाँ से दे रहे हैं वो पानी का पैसा ये पानी का बिल अलग देंगे वो पानी का बिल अलग देंगे। आपने भी बोला धान घूस कर वाल पंप हाँ जो लोग पैसे की मांग करते हैं या टैंकर वाले को फायदा कुछ नहीं करते वो ऐसे होगा ना टैंकर वाले का फायदा होता है ना कि म्यूनसिपालिटी का पानी कम किया हुआ टैंकर वाले का फायदा होता है हम लोगों का कुछ नहीं है टैंकर का पानी भी गंदा रहता है तो हमारे बाल बच्चे किस तरह पिए हमको बिस्लरी का पानी अलग मंगाना पड़ता है पानी का पैसा क्या रहा है यहाँ कुछ जेंट्स भी है मिलकर बता सकते हैं सर अपना मेरा नाम मोहन चौहान है और चौहान जी आपकी क्या वो हमेशा पानी पानी को तोड़ते हो बात कर रहा हूँ इच्छा लगा तो कहीं नहीं जैसे अभी लेडीज ने कब बताया वो बात आपके हमारे सही हो और यहाँ पे समस्या तो है ही है और जितने भी कंप्लेन करने के बावजूद भी वो पैसे देखते हैं कहाँ पर आएगा कब तक आएगा ये सब चीज करने से काम नहीं चलते हैं
चल रहे थे उनके, ये महानगर पालिका की क्या है राय है, क्या चाल है, क्या नहीं है हमको पता नहीं है। लेकिन हमको ये जो परेशानी हो रही है, आज पिछले 40 साल से हम यहाँ पे रहते हैं, ऐसी समस्या नहीं है। पहले तो ये कि ग्राम पंचायत जब थी, ग्राम पंचायत थे उस समय महानगर पालिका की जो ये जो गर्भवती जो होती है वो 500,000 अभी 5,000 देने के बावजूद भी ये तो चीज अगर हमको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज महानगर पालिका हमारे पास की नहीं है, हमको ग्राम पंचायत चलेगी। आप तो सीधा ये बोले कि महानगर पालिका, हाँ हटा लो ना फिर, जब ये काम के लिए तुमने महानगर पालिका बनाया तुमने और 5 साल मिला तुमने फिर चिंता रहेगा गर्भवती। हम पब्लिक को ये तो आपको मालूम है कि कोरोना में सब बिगड़े हुए लोग हैं, जहाँ पे धंधा व्यवसाय सब कुछ बंद है, और उसके बावजूद भी ये सब इतनी महंगा होने के बावजूद भी है, पानी की समस्या वगैरह हर चीज, जैसे मैडम ने बताया कि 5,000-5,000 रुपया 4,000-4,000 रुपया टैंकर वाले को देना पड़ता है, तो ये जाहिर सी बात है कि टैंकर वाले से इनकी मिली पकड़ रहेगी, तभी ये सब चीज होता है, क्यों होता है। और पहले तो हम अभी एरिया में नगर सेवक वगैरह थे, तो हम शिकायत जो भी करते थे हम नगर सेवक को शिकायत करते थे, अभी कौन से नगर सेवक को शिकायत करे, यहाँ पे तो पिछले 2-3 साल से कोई नगर सेवक भी नहीं। ये जो आपका एरिया है वो बारिश का पानी पानी भरना तो दूर की बात है, पानी आ नहीं रहा है, यहाँ पे भरने की तो बात दूर की है, एरिया में इतना पानी भर जाता है ना कि लोगों को कोई आके देखता नहीं है, ग्रास हो वाले वगैरह हर चीज की हालत खराब होती है, और ये पिछले कितना साल से चल रहा है, जब पानी बारिश इतना आ जाती है, बारिश इतनी आ जाती है, हर घरों में पानी भर जाता है, बेचारे गरीब जो ग्राउंड फ्लोर में जो रहते हैं उनकी समस्या, उनके उनके हर तरह के सामान व्यस्त हो जाते हैं। आपका नाम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी, क्या दिक्कत? परेशानी तो हर साल की है पानी की, प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है, बस ना वोट चाहिए आते, टैक्स भरने के लिए घर तक मांगने के लिए आते, सामान उठाने के लिए आते, मगर ये सामान जो हमारा खराब हो गया वो देने के लिए कोई नहीं आता, पानी भर गया और निकालने तक कोई नहीं आता है, पहचान वाला है जो चमचागिरी के तो उसके घर तक जाके खाना पहुंचाते, पानी पहुंचाते, और गरीब के घर में कमर तक पानी होता है कोई देखने तक नहीं आता है, जिंदा है मर गया कोई बात नहीं, बड़ी बात आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को सामने जी मैसेज आया था, जनवरी में मैं पीडीएमसी का ऑफिसर भी गया था, पुलिस नया लाइन वगैरह लगा रहे थे, पानी लाइन लगा रहे थे, मैं उम्मीद था कि मार्च तक फॉर्म हो जाएगा, मार्च चला गए, फिर चला गया, जून चला गया, जुलाई अगस्त, फिर तरीके से लगा कि वो सब टैक्स व्यवस्था एक तरीके से लाइन लगा रहे, सब आपको टाइम पास लगा दी, सीधे राजनीति है, जब से आपको बता रहा हूँ 185 MLD पानी सूर्य ग्रहण से आप सबको आने वाला है, लेकिन उसके ये है कि पिता काटे कौन, तो फीता काटने के लिए वो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कह सकते आपको पानी की वाकई सच्ची है। सर आपका नाम? और मेरा नाम सकी खान है, मैं केजीएन सोशल वेलफेयर का संगठक हूँ। प्रॉब्लम इधर पानी का सिर्फ पे नहीं है, सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, पानी के साथ में जो है ना और भी दूसरी प्रॉब्लम है, जैसा कि पहले महानगर पालिका जब आई, महानगर पालिका से पहले जो है ग्राम पंचायत जब था तब ये इशू इतना नहीं था, महानगर पालिका आने के बाद ये इशू बढ़ गया। दूसरा नगर सेवक जब थे तो हम उनके पास जाके अपनी बात रख सकते थे, क्योंकि एरिया में थे तो हमको पहचानते थे, तो हम अपनी बात रख सकते थे। महानगर पालिका इस वक्त इंडिविजुअल बॉडी है, मतलब नगर सेवक तो है नहीं, डिसीजन आयुक्त लेता है अकेला या उनके लोग लेते हैं, तो नगर सेवक नहीं होने की वजह से हम महानगर पालिका जाते हैं तो वो तो मुंह पे लेते हैं, इधर तो कोई सुनवाई चलती नहीं है। और पानी जो है पिछले 2-3 साल से ऐसा हो गया है कि पानी का दिक्कत हो रहा है एरिया में, और टैंकर का इसका उसका, पब्लिक जो है परेशान है, तो ऐसी कोरोना से अभी बाहर निकली है, ये सारी दिक्कत होने की वजह से जो है कोई सुनवाई कहीं हो नहीं रही है, पब्लिक जो है रोड पे निकले या महानगर पालिका के सामने मोर्चे पे बैठे, इस तरीके की स्थिति है इस वक्त वसई में है, बिहार में है, काला छुपारा में, अलग अलग साइड के लोग आए हुए, अब सबको जो है बोल नहीं सकते, जो उसमें से बोलने वाले लोग थे उन्होंने अपनी बात रखी है। अब एक खालिद भाई है, डिसम्बर में रहते हैं, साईग्राम में, बहुत सारी बिल्डिंग है, अलग अलग कोमल बिल्डिंग से भाई ने बोला, तो इस तरीके के हर बिल्डिंग का, इधर सामने बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन हर कोई जो है कोई जॉब पे है, कोई कहीं है, तो बात रखेगा कौन, तो इसलिए जो है हमको जो है आपने मुद्दे को उठाया तो हमने अपनी बात रखा है, कोशिश यह है, मेरी बात रखने की असल वजह यह है
कि महानगर पालिका इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करे, नहीं तो पब्लिक रोड पे निकलेगी, महानगर पालिका को जवाब देना भारी पड़ेगा। ठीक है शकील, जैसा अभी बताया कि चंद लोग बोले हैं जिनको हमने कैमरे में दिखाया है, लेकिन ये चंद लोग नहीं है, ये एक समूह, सबको यहाँ इकट्ठा किया जाना आसान नहीं है और सब हर कोई अपने काम में इतना परेशान है कि उनको समय भी नहीं आ पाए, लेकिन हर एक के दिल में यही चीजें यही बात है वो रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन इस समय पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ लोग तो यह तक सवाल उठाने लगे हैं कि हमको ग्राम पंचायत सही थी, महानगर पालिका आकर इतना इतना टैक्स का पैसा भरकर हमको क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी गहन सवाल उठते हैं। यहाँ बात यह है कि घरों में पानी आता नहीं है और बरसात के समय पानी जाता नहीं है, तो इस विडंबना से लोग बाहर आए कैसे? क्या कोई उनका पालक है? हमेशा हर किसी के लिए एक गार्जियन होता है और महानगर पालिका में जो वरिष्ठ अधिकारी है उसी को लोग अपना गार्जियन समझते हैं। क्या वह गार्जियन अपनी जगह पर है? क्या वह लोगों के बारे में सोच रहे हैं? यह सवाल बड़ा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वैसे ही से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।